तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के अपकमिंग 5G स्मार्टफोन्स के बारे में। गाइज अभी इंडिया में 5G नेटवर्क का टेस्ट चल रहा है और यह कभी भी लॉन्च हो सकता है, तो ऐसे में एक 5G स्मार्टफोन का लेना फ्यूचर प्रूफ रहेगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात तो यह हो जाती है कि सैमसंग के 5G स्मार्टफोन्स में ऑलमोस्ट सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये 5G के लिए बेस्ट स्मार्टफोन हो जाते हैं। और दोस्तों इन स्मार्टफोन्स में आपको 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही इनमें आपको एक पावरफुल प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, तो इनमें परफॉर्मेंस और कैमरा क्वालिटी काफ़ी कमाल के देखने को मिलने वाली है। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की ओर से आने वाले 5G स्मार्टफोन्स के बारे में, साथ ही वीडियो में हम जानेंगे इन सभी स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस, इनकी एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही कमाल के टेक वीडियोज मिलते रहें। तो गाइज पहले नंबर पर आता है सैमसंग गैलेक्सी A22 5G। यह स्मार्टफोन 23 जुलाई को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। तो अभी इसके सभी स्पेक्स के साथ में प्राइसिंग की डिटेल्स भी सामने आ चुकी है। यह स्मार्टफोन 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि TFT डिस्प्ले होगी, और यह इन्फिनिटी यू नोच के साथ आने वाला है जिसमें हमें नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। वहीं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें मीडियाटेक की डायमेंसिटी सीरीज का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक 5G प्रोसेसर है, तो इसमें आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और इसमें 6GB और 8GB रैम के दो ऑप्शन दिए गए हैं और यह 128GB की स्टोरेज के साथ आता है। जहां पर इसके कैमराज के बारे में बात करें तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिनमें प्राइमरी कैमरा 48MP का दिया गया है, इसके साथ में 5MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, और फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो अभी इसकी डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और कैमराज के बाद में इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी और 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा यह साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड UI 3.1 के साथ आता है। जहां पर दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसके बेस वेरिएंट का प्राइस 19,999 देखने को मिलने वाला है। यार इस प्राइस में यह काफी कमाल का स्मार्टफोन हो जाता है। वहीं अब अगले स्मार्टफोन की बात करें तो नंबर 2 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M32 5G। गाइस यह स्मार्टफोन कुछ दिनों पहले ही BIS पर सर्टिफाइड हुआ था और यह भी सैमसंग की ओर से आने वाला काफी इंटरेस्टिंग 5G स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें आपको 6.5 इंच की इन्फिनिटी यू डिजाइन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, तो इसमें कंटेंट कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस तो काफी कमाल का रहने वाला है। वहीं अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो यह डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर 7nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ है, तो इसमें 5G कनेक्टिविटी के साथ में परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों ही काफी कमाल की देखने को मिलने वाली है। जहां पर यह 4GB, 6GB और 8GB रैम के तीन ऑप्शंस के साथ आएगा और इसमें लॉन्च के साथ ही एंड्रॉइड 11 और One UI 3.1 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अब इसके कैमरास के बारे में बात करें तो इसके रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है जो कि स्क्वायर शेप वाले कैमरा मॉड्यूल के साथ आएगा। इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा होगा, इसके साथ में 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर लगा हुआ होगा। वहीं ये फ्रंट में 20MP के सेल्फी कैमरा के साथ आएगा। तो यार यहाँ पर एक बजट 5G स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगी और यह 6000mAh की बैटरी के साथ आने वाला है जिसमें 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अब गैलेक्सी M32 5G के एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इसका प्राइस आपको 17,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा और यह 20 अगस्त तक लॉन्च हो सकता है। वहीं नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो नंबर 3 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। गाइज यह स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें आपको इन्फिनिटी ओ डिज़ाइन में 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि फुल HD प्लस यानी कि 1080p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले होगी, और इसमें हमें मिलने वाली है 120Hz की रिफ्रेश रेट। प्यारे लेटेस्ट पंच होल डिज़ाइन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, तो इसकी डिस्प्ले को लेकर के तो काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। और गाइज यह एम सीरीज का मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन भी होने वाला है क्योंकि यह स्नैपड्रैगन 778G के साथ आने वाला है जो कि क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर है और यह 6nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ है, तो यार इसमें परफॉर्मेंस तो काफी कमाल के देखने को मिलने वाली है। वहीं अब इसके कैमराज के बारे में बात करें तो यह रियर में 64+12+5+5MP के क्वाड कैम सेटअप के साथ आएगा और फ्रंट में 32MP का सेल्फी शूटर लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर अच्छी इमेज और वीडियो क्वालिटी कैप्चर करने के लिए स्मार्टफोन में कैमराज के साथ में प्रोसेसर का काफ़ी बड़ा रोल होता है, तो इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर के चलते इमेज और वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। वहीं अब डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस के बाद में नेक्स्ट इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी लगी हुई होगी और यह 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा।
इसके अलावा इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, सैमसंग की नोक्स सिक्योरिटी, एनएफसी और सभी टाइप के सेंसर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो यह स्मार्टफोन 25 अगस्त तक लॉन्च हो सकता है और इसके बेस वेरियंट का प्राइस 26,000 से 27,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। वहीं अब अगले स्मार्टफोन की बात करें तो नंबर 4 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। गाइस यह स्मार्टफोन BIS पर सर्टिफाइड हो चुका है और यह गैलेक्सी A52 5G के सिमिलर डिजाइन और सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा। लेकिन यहाँ पर लीक्स की माने तो गैलेक्सी A52s 5G के कैमराज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इसमें हमें माइक्रो लेंस की जगह पर 8 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल सकता है। बाकी सब कुछ इसमें सेम ही रहने वाला है, लाइक इसमें सेम 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी जिसमें 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन्फिनिटी ओ डिजाइन देखने को मिल जाती है और यह 4500 mAh की बैटरी और 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा जिसमें IP67 की रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, NFC और सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और यह सेम स्नैपड्रैगन 750G 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है तो इसमें परफॉर्मेंस भी काफ़ी कमाल की देखने को मिल जाएगी। तो गाइज अब इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो यह स्मार्टफोन सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो सकता है और इसका प्राइस 30,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये हो जाते हैं सैमसंग के अपकमिंग मिड रेंज 5G स्मार्टफोन्स। इनके अलावा सैमसंग का 11 अगस्त को अनपैक्ड इवेंट भी है और इस इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और गैलेक्सी Z Flip 3 इन दो प्रीमियम स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च करने वाला है। तो गाइज फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही कमाल के टेक वीडियोज मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।